हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए यूपी टेट के हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। डेली हम अपने चैनल पर 30 प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के लिए, और बहुत कम समय में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप देते हो लास्ट क्वेश्चन का, बाकी 29 क्वेश्चन हम अपने वीडियो में शेयर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, और अपने नंबर काउंट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके खुद से सही हुए हैं, हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। पहला है, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? छोटा आबड़ा आता होगा, ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप। देखिए, ता था दा धा ना, तो इसमें देख लो ना भी आता है, दा भी आता है, धा भी आता है, बट मा नहीं आता है, बा पा वर्ग में आता है, सॉरी मा पा वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ए, आए ले, चलिए ए ले लेते हैं पहले। क्या ले लेते हैं? ए। ए आपको पता है आ से मिलकर बनता है और ई से मिलकर बनता है, तो दोनों स्वर हैं, इनसे मिलकर ये भी बना, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। ए ले लीजिए, ए आपका आ और ए से मिलकर बनता है, ए बन जाता है। ओ ले लीजिए, ओ आपका आ और ऊ से मिलकर बनता है। औ ले लीजिए, औ आपका आ और ओ से मिलकर बनता है। औ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चार जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग का व्यंजन, सॉरी था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था आपको पता है दोस्तों ता वर्ग का व्यंजन होता है, और ता वर्ग आपका दंत्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका सामने कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। अभी मैंने बताया ता वर्ग वाले दंतव्य वर्ण होते हैं, तो ये ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला इनमें से शब्द कौन सा है? कौन पहले आएगा, अरेंज करना है आपको। तो इसके लिए आपको सही से वर्ण विच्छेद आना चाहिए। जैसे ये लिखा है वक्त, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? वा, फिर का, फिर ता, यही होगा। और ये जो वरक लिखा है, वरक क्या क्या हो जाएगा? वा, रा और का। इसके अलावा जो ये वक्र लिखा है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, वा नहीं लिखूंगा इसके लिए, पहले सब में वा आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? का होगा दूसरे नंबर पे, फिर रा होगा। और ये जो वर्ग लिखा है, इसके लिए क्या होगा? वा होगा, फिर रा होगा, और फिर आपका गा होगा, यही होगा। तो देखो, वा सब में पहले आ रहा है, इसमें देखो का आ रहा है, इसमें भी का आ रहा है, इसमें देखो का आ रहा है, इसमें भी का आ रहा है, तो ये दोनों तो देखने नहीं है क्योंकि इसमें रा आ रहा है। अब इसके तीसरे से मिलाइए, इसमें देखिए ता आ रहा है, इसमें रा आ रहा है, तो ता पहले आता है कि रा पहले आता है? ता पहले आता है, ता वर्ग पहले आता है, और जो अंतः स्था होते हैं यारा लावा वो बाद में आता है, तो ता वर्ग पहले आता है, इसलिए पहला वाला जो है वक्त जो लिखा है वही पहले आ जाएगा। इतना कुछ आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आपको ये सही से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहे थे सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती है, वाक्य का सही भेद बताइए। अगर नहीं भी बताए तो ध्यान से ऑप्शन देखिए। संदेहार्थक, क्या इसमें कोई संदेह की बात करी जा रही? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है विधानार्थक, इसको छोड़िए। प्रश्नार्थक, क्या कोई प्रश्न किया जा रहा है? नहीं। आज्ञार्थक, क्या कोई आज्ञा दी जा रही? नहीं। तो कैसा हुआ? ये हुआ आपका विधानार्थक, ठीक है, बात को समझे। विधानार्थक दोस्तों ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें काम के करने या होने का सामान्य सा बोध होता है, बट वही क्या होते हैं? वही विधानार्थक कार्य होते हैं। कुल मिला के समझो, सिंपल जैसे सेंटेंस होते हैं वो बात करी जा रही है, जैसे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, उसमें निगेटिव भी आ जाता है बट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उद्देश्य व एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है ना आपने, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य जो होता है वो दोस्तों सिंपल सा वाक्य कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कर दीजिए, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन आपको बताना है। अहून्य, अछून्य, अछूर्ण, अछुण्ण, ये कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें दोस्तों जो सही लिखा है आपको दिख रहा होगा,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा है, बाकी सारे गलत लिखे हैं। ठीक है, इसी के सारे चीज़ें लिखी हैं, यही चीज़ जो है यहाँ पे गलत गलत लिखी गई है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध शब्द, बट यहाँ पे क्वेश्चन शुद्ध शब्द के हिसाब से आंसर नहीं दिया गया था, अशुद्ध शब्द के हिसाब से दिया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, कार्यकारिणी, अभ्यंतर, एक तारा, जिजीविषा। देखिए दोस्तों, कार्यकारिणी नहीं होता है, होता क्या है, कार्यकारिणी ये होता है, छोटी की मानता लगती राह में, बट इन्होंने नहीं लगाई, तो यही अशुद्ध है। बाकी सारे जो लिखे हैं, अभ्यंतर, एक तारा, जिजीविषा, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो अशुद्ध के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। देखिए तुम तो अपना काम करो, इसकी जगह यूज होगा तुम अपना काम करो, तो यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, गुप्त का विलोम क्या होता है। बाबी देवल वाली जो मूवी है, मुझे मूवी के नाम बहुत याद रहते हैं दोस्तों, गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का जो विलोम होता है वो होता है प्रकट। क्या होता है गुप्त का विलोम, गुप्त का विलोम होता है प्रकट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया गया है, बताइए इसका आंसर कि मेढक का तत्सम क्या रूप क्या होगा। मेढक का तत्सम रूप दोस्तों क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंडूक, ऑप्शन नंबर ए। ईवीएस पढ़ रहे हैं आप अगर, तो बताइएगा मेढक के बच्चों को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, चिरंतन जो काफ़ी समय से चला आ रहा हो, अब इसमें जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो चिरंतन का विलोम शब्द नस्वर होता है। क्या होता है, चिरंतन का विलोम शब्द नस्वर होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यौवन का विलोम शब्द है वार्धक्य, लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन, एकांगी का सर्वांगीण। पिछले प्रैक्टिस सेट करे होंगे तो बिल्कुल कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर सही। विश्लेषण का दोस्तों संश्लेषण होता है विलोम शब्द, ना कि विवेचन, तो यही अशुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, बताइए। सुबुद्धि का अशुबुद्धि, आरोह का अरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्त। हर जगह आ लगाने से विलोम शब्द नहीं बनता है, तो दोस्तों सुबुद्धि का विलोम शब्द होता है दुर्बुद्धि। क्या होता है, दुर्बुद्धि होता है, ना कि हो जाता है अशुबुद्धि, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो लिखे हैं ये विलोम शब्द भी आपको याद कर लेने हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, बताइए बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार, बाजार में दोस्तों बाजार से भाववाचक का होता है, नहीं, जातिवाचक का बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक का बिल्कुल नहीं, समूहवाचक का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन को कट करके ज़्यादा किया करिए क्वेश्चंस के आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, गोल या उसका गुड़ है, या रोटी गोल है, नुकीला या कील बहुत नुकीली है, भीतई, अधिक। तो ये सारे के सारे में से दोस्तों ये जो अधिक लिखा है ये एक परिमाणवाचक विश्लेषण है, विशेषण है सॉरी, ना कि गुणवाचक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कौन सी कहलाती है। दोस्तों जो मेन वर्ब के अर्थ को प्रकट करे वह क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, निम्न में से संक्रामक क्रिया बताइए, इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, हंसना, पढ़ना, रोना, सोना। तो दोस्तों पढ़ोगे तो पता होना चाहिए क्या पढ़ा आपने, राम किताब पढ़ता है, तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है।
तो पढ़ना इसका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पंडिताइन नहीं होगी, पठन नहीं होगी, क्या होगा, पांडित्य, पांडित्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कवि का स्त्री लिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्री रंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कवि का स्त्री लिंग रूप क्या होगा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कवि का स्त्री लिंग दोस्तों क्या होता है, अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो होंगे, बताइए क्या होंगे। तो दोस्तों होता है कवित्री, कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पुस्तक है, क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कुछ नहीं। मेरी पुस्तक खो गई है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है। हरिण का स्त्रीलिंग दोस्तों हिरणी, हिरनी, हरिणी या फिर हिरणी, बताइए कौन सा होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दो दो ऑप्शन दे दिए। तो दोस्तों ये होता है हरिणी, क्या होता है, हरिणी, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द, रात होती है, रात हो गई तो स्त्रीलिंग हो गई। कोई बात करते हैं, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया। गीत गाते हैं, एक गीत गाओ, मात भी स्त्रीलिंग है, दोस्तों गीत जो है पुल्लिंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे। सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है, सुता, सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है, सुता, बेटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रत्यय लगाएंगे हम लोग, आ प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा, आ प्रत्यय लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। देखिए दोस्तों दुस्साहस में केवल दू न लगा दीजिएगा, दुस्साहस का उपसर्ग होता है दुस, क्या होता है, दुस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे। जिस तरीके से सुत को बनाया था उसी तरीके से अजा बना देंगे, आ प्रत्यय लगा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया गया है कि किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है। देखिए कुशल में कुश धन ला प्रत्यय आया है, मृदुल में मृदु धन ला प्रत्यय आया है, रोम धन ला में प्रत्यय आया है, विमल खुद में एक पूरा शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है ला नाम का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आती है आपकी बारी, एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में करने को डेली मैं देता हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। बताइएगा कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। ठीक है, कल का क्वेश्चन जो था उसका आंसर जिसने भी दिया था, शायद मैंने लिया नहीं है वो क्वेश्चन, तो ठीक है, जिसने आंसर दिया था सही दिया था उसका राइट आंसर सभी लोगों ने। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए दोस्तों ये था, इसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने, इसमें आपकी एक बहुत हेल्प हो रही होगी कि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा हिंदी डेली रिवीजन होता चलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, आप लगातार एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।